नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल के बारे में। ये आपका आर्टिकल है भारत में अंग दान से संबंधित। ठीक है, तो बात करेंगे कि आखिर अभी किस संदर्भ में लिखा गया है आर्टिकल और अंग दान से आखिर तात्पर्य क्या होता है, क्या होता है अंगदान, उसे भी देख लेंगे। और अंगदान कौन कर सकता है, यानी कि अंगदान कौन दे सकता है। अंगदान में भारत की स्थिति अभी करंट में क्या है, उसे भी देख लेंगे। भारत में अंगदान के समक्ष चुनौतियां, आखिर समस्याएं क्या क्या हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। भारत में अंगदान को बढ़ावा देने में सरकार क्या प्रयास कर रही है, यानी कि सरकार की क्या पहले हैं, उन्हें भी देख लेंगे। और राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन है जो, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि भारत महर्षि दधीचि जैसे ऋषियों का देश है, जिन्होंने एक कबूतर के प्राणों व असुरों से जनसामान्य की रक्षा के लिए अपना देह दान कर दिया था। परंतु समय के साथ भारत में अंगदान की प्रवृत्ति में गिरावट देखी गई। निश्चित तौर पर अंगदान करके किसी अन्य व्यक्ति की जिंदगी में नई उम्मीदों का सवेरा लाया जा सकता है। इस तरह अंगदान करने से एक प्रेरणादायी शक्ति पैदा होती है जो अद्भुत होती है। इस तरह की उदारता व्यक्ति की महानता का द्योतक है, जो न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी प्रसन्नता प्रदान करती है। भारत में ही प्रतिवर्ष लगभग 5 लोग अंग प्रत्यारोपण की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रत्यारोपण की संख्या और अंग उपलब्ध होने की संख्या के बीच एक बड़ा अंतराल है। अंगदान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें अंगदाता अंगग्राही को अंगदान करता है। दाता जीवित या मृत हो सकता है। दान किए जा सकने वाले अंग गुर्दे, फेफड़े, आँख, यकृत, कॉर्निया, छोटी आँख, त्वचा के ऊतक, हड्डी के ऊतक, हृदय वाल और सिराएं हैं। अंगदान जीवन के लिए अमूल्य उपहार है। अंगदान उन व्यक्तियों को किया जाता है जिनकी बीमारियां अंतिम अवस्था में होती हैं तथा जिन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता होती है। सीधा सा मतलब ये ले लीजिए आप यहाँ कि अंग प्रत्यारोपण का मतलब सीधा सा ये है कि किसी की डेथ होती है, एक्सीडेंट में कोई मारा जा रहा है या फिर किसी कारण के कोई किसी की मृत्यु हो जाती है, यानी कि डेथ। तो अब उसके शरीर में जो भी अंग है वो किसी काम के तो है नहीं है, उसके तो काम के है नहीं है जो मर चुका है। तो इसका मतलब है कि इन्हें दान कर दिया जाए जिससे दूसरे की जिंदगी भी संभल सकती। आपने कई बार सुना होगा कि कई लोग पहले ही मरने से पहले ही लिख जाते हैं कि हमारे दान, हमारे अंग दान कर दिए जाए, जैसे आंख हो गई, गुर्दे हो गए, फेफड़े हो गए, छोटी आंत हो गई, त्वचा के ऊतक, हड्डी, हृदय वाल। चलिए आगे बात करते हैं, आखिर अंगदान से तात्पर्य क्या है आपका। अंगदान ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति, यानी कि जीवित हो या फिर मृत हो, दोनों से स्वस्थ अंगों और ऊतकों को लेकर किसी अन्य जरूरतमंद व्यक्ति के शरीर में प्रत्यारोपण कर दिया जाता है। प्रत्यारोपित होने वाले अंगों में दोनों गुर्दे यानी कि किडनी, यकृत लीवर, हृदय, फेफड़े, आंत और अग्नाशय शामिल होते हैं, जबकि ऊतक के रूप में कॉर्निया, त्वचा, हृदय वाल, कार्टिलेज, हड्डियां और वेसल्स का प्रत्यारोपण होता है। आपने कई बार सुना होगा अक्सर कि वो किसी की किडनी खराब हो जाती है तो ये किडनी कोई दान दे देता है उसका सगा संबंधी। ठीक, तो इसी उसी प्रकार होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अंगदान कौन कर सकता है। आखिर जीवित व्यक्ति के लिए अंगदान के समय न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना चाहिए। कितनी? 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष से छोटा कोई व्यक्ति बच्चा है तो वो अपना अंगदान नहीं कर सकता, याद रखिए। साथ ही अधिकांश अंगों के प्रत्यारोपण का निर्णायक कारक व्यक्ति की शारीरिक स्थिति होती है, उसकी आयु नहीं। जीवित अंगदाता द्वारा एक किडनी, अग्नाशय और यकृत के कुछ हिस्से दान किए जा सकते हैं। कॉर्निया, हृदय वाल, हड्डी
हड्डी और त्वचा जैसे ऊतकों को प्राकृतिक मृत्यु के पश्चात दान किया जा सकता है, परंतु हृदय, यकृत, गुर्दे, फेफड़े और अग्नाशय जैसे अन्य महत्वपूर्ण अंगों को केवल ब्रेन डेड के मामले में ही दान किया जा सकता है, यानी कि ब्रेन डेथ। कार्डियक डेथ अर्थात प्राकृतिक रूप से मरने वाले का सामान्यतः नेत्र यानी कि कॉर्निया दान किया जाता है। अब हम बात करते हैं अंगदान के मामले में भारत की स्थिति कहाँ है। भारत में प्रतिवर्ष लाखों लोग अंग प्रत्यारोपण का इंतजार करते करते मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसका कारण मांग और दान किए गए अंगों की संख्या के बीच बड़ा अंतर है। आपने अक्सर देखा होगा कई एक्सीडेंट में मरते हैं लोग, या फिर प्राकृतिक रूप से मर जाते हैं कई लोग, मतलब जिसकी जाने का समय आ जाता है तो मर जा। तो क्या कहते हैं लोग, उनके घर वाले अंग प्रत्यारोपण यानी कि अंगदान नहीं करते हैं, उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। आपने अक्सर देखा होगा एक्सीडेंट में होता है, आता है, उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। दान का कोई उनमें सिस्टम भी नहीं होता है, वो लोग ना दान करना चाहते हैं, समझे। इसीलिए स्थिति और भी भयानक है। भारत में अंग प्रत्यारोपण करने की सुविधा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर अंगदान करने वालों की संख्या बहुत ही कम है। विश्व संदर्भ में देखें तो अंगदान करने के मामले में भारत दुनिया में बेहद पिछड़ा हुआ देश है। यहाँ प्रति 10 लाख की आबादी पर केवल 0.16 लोग अंगदान करते हैं, जबकि प्रति 10 लाख की आबादी पर स्पेन में 36 लोग, क्रोएशिया में 35 और अमेरिका में 27 लोग अंगदान करते हैं। क्या है कि जो भी विकसित देश हैं वहाँ उनका दिमाग खुला हुआ है, विज्ञान से जुड़ा हुआ है। अब जैसे सोचिए, आप ही सोचिए कि कोई एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है या प्राकृतिक रूप से मर जाता है कोई, अब मरने पर किसका बस है। तो अब उसके अंग का किसी काम के तो है नहीं, तुम अगर घर में भी है उसका अंतिम संस्कार कर रहे हो तो खाक हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, मतलब किसी के, तुम्हारे काम के तो किसी भी कारण है भी नहीं है, ठीक है। जैसे आप ही सोचिए, किसी के कारण हो सकता है, अगर एक्सीडेंट में हो गया तो उसके घर वाले ले जाएंगे उसे, उनके घर वालों के काम तो कुछ आएगा नहीं। तो दान करना बेहतर है, कम से कम दूसरे की जिंदगी तो सुधरेगी तुम्हारी वजह से, तुम तो चले ही गए, समझ रहे हो, मतलब ये है। भारत में ब्रेन डेड या मानसिक मृत्यु हो चुके लोगों के परिवारजन भी अंगदान करने से बचते हैं, जबकि यह निश्चित हो जाता है ऐसे लोगों का जीवन काल बढ़ाना अब संभव नहीं है। यही कारण है कि इस मामले में भी अंगदान बहुत कम हो रहा है। वर्ष 2018 में महाराष्ट्र में 132, तमिलनाडु में 137, तेलंगाना में 167, आंध्र प्रदेश में 45 और चंडीगढ़ में केवल 35 अंगदान हुए। तमिलनाडु ने बीते कुछ समय में इस क्षेत्र में बेहतर काम किया है। यहाँ प्रत्येक वर्ष लगभग 80,000 कॉर्निया का अंगदान होता है। दिसंबर 2018 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एक प्रश्न के उत्तर में राज्यसभा में यह जानकारी दी गई कि प्रत्येक वर्ष भारत में लगभग 2 लाख गुर्दे, 30,000 हृदय और 10 लाख नेत्र की जरूरत है, जबकि केवल हृदय 340 और 1 लाख नेत्र यानी कि कॉर्निया ही प्रतिवर्ष मिल रहे हैं। मार्च 2020 में अंगदान और प्रत्यारोपण करने के मामले में महाराष्ट्र ने तमिलनाडु और तेलंगाना को पीछे छोड़ दिया। बात करते हैं भारत में अंगदान के समक्ष चुनौतियां क्या क्या हैं। आखिर आधारित संरचना का अभाव। भारत के सभी अस्पतालों में अंग प्रत्यारोपण संबंधी उपकरणों की व्यवस्था नहीं है। वर्ष 2017 के आंकड़ों के अनुसार देश में लगभग 301 अस्पताल ऐसे हैं जहां अंग प्रत्यारोपण संबंधी उपकरण मौजूद हैं। इनमें से केवल 250 अस्पताल ही राष्ट्रीय अंग ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के साथ पंजीकृत हैं। उपयुक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में अंग प्रत्यारोपण हेतु लगभग 43 लाख लोगों के लिए ऐसा मात्र एक ही अस्पताल मौजूद है जहां अंग प्रत्यारोपण संबंधी सभी आवश्यक उपकरण मौजूद हैं। बात करते हैं हम आप
मांग और पूर्ति के बीच अंतर क्या है, समस्या ही यानी कि भारत में अंगदान के समक्ष ये चुनौतियां हम लोग देख रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार इति दिन औसत 150 लोगों का अंग का नाम अंग प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे लोगों की सूची में जुड़ जाता है, जहां एक और वर्ष 2017 में तकरीबन 2 लाख लोग किडनी प्रत्यारोपण का इंतजार कर रहे थे, परंतु इनमें से केवल 5% लोगों का ही किडनी प्रत्यारोपण हो पाया था। यह स्थिति तब है जब एक व्यक्ति अंगदान के माध्यम से कुल 8 लोगों की जान बचा सकता है। समझ में आया? अगर एक व्यक्ति जैसे मैं हूं तो मेरी डेथ हो जाती है तो मैं 8 लोगों की जान बचा सकता हूं अपने अंगदान करके। समझिए, मैं अब आप ही सोचिए कि रोड पर कोई एक्सीडेंट, कितना एक्सीडेंट होता है, लाखों लोग मर रहे हैं साल में, लेकिन अगर आप सोचिए कि लाखों अगर लोग दान करने लगे तो कितना कितने लोगों की जान बचाई जा सकती है। अब वो तो चले गए, उन्हें कौन रोक पाया, लेकिन अब जो हैं उन्हें तो बचाया जा सकता है। हालांकि विगत कुछ वर्षों में अंगदानकर्ताओं की संख्या में काफी वृद्धि दर्ज की गई है, परंतु फिर भी यह वृद्धि लगातार बढ़ती अंगदान की मांग को पूरा करने में समर्थ नहीं है। प्रत्यारोपण की उच्च लागत। भारत में अंगदान करने वालों में अधिकतर मध्यम निम्न वर्ग या फिर निम्न वर्ग के लोग ही होते हैं, परंतु अंग प्राप्त करने वाले लोगों में इस वर्ग का प्रतिनिधित्व काफी कम होता है, जिसका एक सबसे बड़ा कारण प्रत्यारोपण की उच्च लागत को माना जाता है। उल्लेखनीय है कि भारत में अंग प्रत्यारोपण की लागत लगभग 5 से 25 लाख रुपए के आसपास है, जो कि मध्यम निम्न वर्ग या फिर निम्न वर्ग के लिए काफी बड़ी रकम होती है। मेरा मानना है कि एक स्वास्थ्य व्यवस्था को, मनुष्य के स्वास्थ्य को और एक शिक्षा को फ्री कर देना चाहिए पूरी तरह से। आगे देखते हैं, जागरूकता की कमी। भारत के आम नागरिकों में अंगदान करने को लेकर उचित शिक्षा और जागरूकता का अभाव। कई बार एक देखा जाता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले अंग विफलता से पीड़ित लोगों को अंगदान और अंग प्रत्यारोपण जैसी प्रणालियों के बारे में पता ही नहीं होते, जिसके कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। प्रायः सामाजिक मान्यता है, भारत में अधिकांश लोग मृत्यु के बाद जीवन एवं पारलौकिक विश्वासों में जीता है, अतः अंगों में काट छाट उन्हें प्रकृति व धर्म के विपरीत लगता है। कुछ लोगों का मानना है कि अंग प्रत्यारोपण की सहमति देने पर अस्पताल के कर्मचारी उनका जीवन बचाने के लिए गंभीरता से प्रयास नहीं करेंगे। अब बात करते हैं भारत में अंगदान को बढ़ावा देने में सरकार के क्या प्रयास रहे हैं, यानी कि सरकार की क्या पहलें रही हैं। मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम 1994। अंग प्रत्यारोपण में गलत प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा 1994 में मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम बनाया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य चिकित्सीय प्रयोजनों के लिए मानव अंगों के निष्कासन, भंडारण, प्रत्यारोपण को विनियमित करना है। साथ ही यह मानव अंगों के वाणिज्यिक प्रयोग को भी प्रतिबंधित करता है, यानी कि मानव के अंगों के व्यापार को भी प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम में किसी गैर संबंधी यानी कि माता पिता, सगे भाई बहन, पत्नी, पति के अलावा कि अंग प्रत्यारोपण को गैर कानूनी घोषित किया गया था। वर्ष 1999 में इस अधिनियम में संशोधन कर चाचा चाची, मौसा मौसी, बुआ आदि को वर्ष 2011 में भावनात्मक लगाव रखने वाले लोगों वाले संबंधों को भी मान्यता दी गई है। ठीक है, ये लोग भी दान कर सकते हैं किसी अपने के लिए। मानव अंग प्रत्यारोपण संशोधन अधिनियम 2011। इस अधिनियम में मानव अंग दान के लिए प्रक्रिया को आसान बनाने के प्रावधान किए गए थे। साथ ही अधिनियम के दायरे को और अधिक व्यापक कर उसमें ऊतकों को भी शामिल कर लिया गया था। इन प्रावधानों में रिट्रीवल सेंटर और मृतक दानकर्ताओं से अंगों की रिट्रीवल के लिए उनका पंजीकरण स्वैप डोनेशन और अस्पताल के पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा अनिवार्य जांच करना शामिल है। इस अधिनियम में राष्ट्रीय स्तर पर दानकर्ताओं और प्राप्तकर्ताओं के पंजीकरण का भी प्रावधान है।
पर्याप्त का मानव होंगे और ऊतक प्रत्यारोपण अधिनियम 2014 का। इस अधिनियम के द्वारा अंगदान के कार्य को सहज, सरल और पारदर्शी बनाने तथा नियमों की गलत व्याख्या रोकने के प्रावधान किए गए। यदि अंगदान हासिल करने वाला विदेशी नागरिक हो और दान दाता भारतीय हो तो बगैर निकट रिश्तेदारी के प्रत्यारोपण की अनुमति नहीं मिलेगी। इस संबंध में निर्णय प्राधिकार समिति द्वारा लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि कोई विदेशी यानी कि अमेरिका हो, कोई भी अन्य देश का नागरिक आता है, उसे अंग की जरूरत है और अंगदाता कौन है, भारतीय कोई, तो जो भारतीय है उससे उसके जो निकट रिश्तेदार होंगे, माँ बाप, भाई बहन जो भी रहे हों, उनसे अनुमति लेनी होगी। अगर नहीं मिलती है इसमें तो संबंध में निर्णय प्राधिकार समिति द्वारा लिया जाएगा। जब प्रस्तावित अंग दानकर्ता और अंग प्राप्तकर्ता करीब संबंधी ना हो तो प्राधिकार समिति यह मूल्यांकन करेगी कि अंग दानकर्ता और अंग प्राप्तकर्ता के बीच किसी भी तरह का व्यवसायिक लेन देन ना हो, समझे? वरना क्या करेंगे कि जैसे किसी विदेशी को जरूरत है तो वो तो पैसे कितने भी दे देंगे ना, और हमारे यहाँ का कोई भी अपने दान बेचने के लिए यानी कि अंग बेचने के लिए किडनी बेच देगा, तो इस तरह से क्या होगा कि एक तरह का व्यापार चालू हो जाएगा। इसलिए प्रतिबंधित किया गया है इसे पूरी तरह से, ठीक है? देश भर में अंगदान को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय अंग प्रत्यारोपण कार्यक्रम लागू किया है। वहीं ब्रेन ड्रेड व्यक्ति से अंगदान को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने अनेक उपाय किए, जैसे नई दिल्ली में राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन और पूरे भारत में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 5 अन्य क्षेत्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन स्थापित किए, जिनमें से ऐसा ही एक संस्थान PGI चंडीगढ़ में स्थापित किया गया जो उत्तरी भारत के 7 राज्यों जिनमें आपका पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर, लद्दाख तथा उत्तराखंड में अंग और ऊतक दान की निगरानी करता है। गौरतलब है कि अंगदान करने वाले व्यक्तियों से प्राप्त अंगों को उपयोग के लायक जीवित रखने के लिए राज्यों द्वारा इस संदर्भ में उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है। तमिलनाडु देश का पहला राज्य है जिसने इस संदर्भ में कई पहलों की शुरुआत की, जैसे ब्रेन डेड व्यक्ति का प्रमाण पत्र बनाना, अंग वितरण को सुव्यवस्थित करना और अंगों के आवागमन के लिए हरित कॉरिडोर निर्धारित करना। बात करते हैं राष्ट्रीय अंग और ऊतक प्रत्यारोपण संगठन के बारे में। राष्ट्रीय अंग एवं ऊतक प्रत्यारोपण संगठन स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन स्थापित एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन। इसमें राष्ट्रीय मानव अंग और ऊतक निष्कासन एवं भंडारण तथा राष्ट्रीय बायोमेट्रियल केंद्र जैसे 2 प्रभाग हैं। यह देश में अंगों, ऊतकों की खरीद के नेटवर्क के साथ साथ अंगों और ऊतक दान एवं प्रत्यारोपण के पंजीकरण में सहयोग जैसे अखिल भारतीय गतिविधियों के लिए सर्वोच्च केंद्र के तौर पर कार्यरत है। आगे की राय क्या हो सकती है, इसमें एक निष्कर्ष क्या हो सकता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अंगदान की मांग और आपूर्ति में बड़ा अंतर सांस्कृतिक मान्यताओं यानी कि पारंपरिक सोच और कर्म कांडों की वजह से है। ऐसे में डॉक्टरों और गैर सरकारी संगठनों और समाज सेवियों को अंगदान के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना चाहिए। सरकारों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए कि अंग प्रत्यारोपण की सुविधाएं समाज के कमजोर वर्ग तक भी पहुंच सके। इसके लिए सार्वजनिक अस्पतालों की अंग प्रत्यारोपण क्षमता में वृद्धि की जा सकती है। क्या होता है कि आप देखिए, अगर आप सक्सेस हैं अर्थव्यवस्था से यानी कि आप पैसे से सक्सेस हैं तो आप तो कहीं भी कितना भी पैसा लग रहा हो करवा लेंगे। अब गरीब क्या होता है, गरीब नहीं करवा पाएगा, आप ही सोचिए उसके पास 15 से 25 लाख कहाँ से आएंगे। तो इसीलिए मैं सोचता हूँ कि फिर ये बुझाने चाहिए कि पैसे से तो कम से कम नहीं मानना चाहिए ना किसी इंसान को। अगर प्राकृतिक मृत्यु आ जाती है वो अलग बात हो जाती है, लेकिन बड़े ऊंच के नीचे मर रहे हैं तो ये तो गलत है।
अंगदान के बारे में गलत धारणाओं और मिथकों को दूर करना देश में अंगदान करने वालों की कमी को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक यदि भारत में सड़क दुर्घटना के कारण मरने वालों में से 5% व्यक्ति भी दान करें तो जीवित व्यक्तियों को अंग दान करने की कोई आवश्यकता नहीं हो। समझ में आया? केवल 5%, अगर 100 लोग मर रहे हैं तो उनमें से केवल 5 व्यक्ति अगर अपना अंग दान करें तो जो जीवित व्यक्ति हैं उन्हें अंग दान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपने ही तो देखा है, अभी एक व्यक्ति 8 लोगों की जिंदगी संभाल सकता है, यानी कि 5 40 की। समझ में आया कितना बड़ी संख्या हो सकती है? तो चलिए, ये था आपका अंगदान से संबंधित आर्टिकल।